दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के मेजरली क्वेश्चंस रहते हैं कि पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा जब पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग होगी। और इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आप सभी को मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं। उसके साथ आपको ये पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है लिस्टिंग को लेकर, कि पाई नेटवर्क की लिस्टिंग आपको कब देखने को मिलने वाली है और कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है, और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर अपडेट्स चल रहे हैं, सारा कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे तरीके समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अपडेट के अंदर लिखा गया, एज लॉन्ग एज यू हैव अ शॉप यू कैन पे विद पाई। अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो ऑफलाइन शॉप से पाई नेटवर्क के नेम से वो स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे 100% हमें पेमेंट्स देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ कि अभी हाल फिलहाल के अंदर कहां कहां पे मीटिंग्स या बार्टर सिस्टम्स वगैरह हो रहा है। पाइनियर्स होस्टेड अ फैंटास्टिक पाई नेटवर्क आई ट्रेनिंग अ बार्टर इवेंट यस्टरडे एट द पॉपेक्स होटल इन डर एस सलाम तंजानिया। तंजानिया के अंदर हमें ये प्रॉपर तरीके से बार्टर सिस्टम होता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पाई नेटवर्क किन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, कैसे कैसे पाई नेटवर्क फ्यूचर में फेमस हो सकता है, और ज़्यादा कैसे लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, कैसे और ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ने वाला है। तो इसका कुछ फुटेज भी आप देख पाओगे, यहाँ पे हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। जिन भी लोगों को ये प्रोजेक्ट्स को बाय करना है वो सब लोग बाय कर सकते हैं पाई कॉइन के बिहाफ पे, और 100% हमें यहाँ पे अनेबल होते हुए देखने को मिल जाता है। और अभी ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमें पाई नेटवर्क का बार्टर सिस्टम मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस प्रमोशंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलता है, जिस वजह से जो उसकी ग्रोथ है डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की KYC के बारे में। लिखा गया कंप्लीट योर KYC बाय September 30। 30 सितंबर से पहले आप सभी अपनी जो KYC है वो कंप्लीट कर लो, ये ग्रेस पीरियड है पहला। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, जो लोग सही तरीके से फॉर्म को फिल कर रहे हो उनकी KYC एक बार में वेरीफाई कर दे रहा है पाइको टीम। अगर आप कोई भी गलती करोगे तो आपका पेंडिंग वगैरह कर दे रहा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान रखो, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो सही होना चाहिए। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाई ब्रिजेस के अंदर आप सभी को अभी क्या लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्टेकिंग माइनस NFT की बात की जा रही है, और ये आज की डेट में होने वाला है, जो कि 9 तारीख आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 7 बजे का टाइमिंग है UTC के हिसाब से। यहाँ पे लिखा गया है द वेट इज ओवर नाउ यू कैन अनलॉक दीज एक्साइटिंग फीचर्स विद माइनर NFT। आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट है डिपॉजिट माइनर NFT, आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए देखने को मिलने वाला है। सेकेंड स्टेक NFT विथ वेरिंग इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन NFT लेवल। जिस भी आप NFT लेवल पे हो उस हिसाब से आपको स्टेक देखने को मिलेगा NFT के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 9%, 8%, 12% इस हिसाब से हो सकता है। जैसे कि मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा दूँ, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टेक के अंदर आप जाके देखोगे तो पाईबी के अंदर 6% से लेकर 12% के आसपास सबके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। USDT के अंदर भी देखने को मिलता है, पाई कॉइन के अंदर भी देखने को आपको मिलता है, VNDC के अंदर देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज NFT है, सिल्वर NFT है, गोल्ड NFT है, डायमंड NFT है, और सब में अलग अलग ईयरली, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे किस हिसाब से मतलब स्टेक हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, व्हाट इज NFT माइनर, बेसिकली इन लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे बता दूँ, इट्स एन ऑटोमेटिक माइनिंग टूल फॉर पाई एंड पाईबी, ठीक है। ये पाई के लिए भी होने वाला है और पाईबी के लिए भी होने वाला है, क्योंकि पाईबी तो बेसिकली चीज़ को ऑपरेट कर ही रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये देखने को मिलने वाला है। विथ एटफैक्ट माइनस स्पीड, यहाँ पे आपको स्पीड अप होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे 4 लेवल हमें देखने को मिलता है, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, जो मैं आप सभी को यहाँ पे बता चुका हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सिम्पसन के बारे में, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है पाई नेटवर्क के फ्यूचर के बारे में। जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आई लव पाई करके, और यहाँ पे आप सभी को एक टेक्निकल ग्राफ देखने को मिलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो शो आया था USA का शो था, और ये बहुत ही पॉपुलर शो था, और इस वाले शो के अंदर जो चीज़ दिखाई जाती थी वो चीज़ बेसिकली 100% सेम होती थी, मतलब एकदम रियल। हाँ दोस्तों, आप सबको सुनने में अजीब लग रहा होगा, आप जाके इसके रिगार्डिंग YouTube पे सर्च कर पाओगे, Google पर सर्च कर पाओगे, देन आपको पता चलेगा कि कितना रियल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क को बताया जा रहा था, पहले ही बता दिया जा रहा था, और ये फ्यूचर में हो सकता है कि पाई नेटवर्क एक बहुत ही फेमस या बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पाई नेटवर्क का लोगो हमें देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हमें टेक्निकल जो चार्ट होता है वो देखने को मिल जाता है, जो हमें ज़्यादा कनेक्ट करता है इसके रिगार्डिंग।
अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई कॉइन एंड डिफाई, ठीक है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस किस तरीके से ये होने वाला है जो पाई नेटवर्क को हेल्प करेगा, ओवरऑल पाई नेटवर्क की ग्रोथ में आगे बढ़ेगा। अनलॉकिंग न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कुड पाई कॉइन बी द की टू ब्रिंगिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिफाई टू मिलियंस ऑफ पीपल्स वर्ल्ड वाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक कंट्री के अंदर पाई कॉइन्स को माइन किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी बात है। इसका जो मेजर कारण है, पाई नेटवर्क हैज़ यूनिक एडवांटेज दैट्स पोजिशन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल डिफाई सर्विसेज लाइक लैंडिंग, स्टेकिंग एंड लिक्विडिटी पूल। ये जो फीचर्स यहाँ पे बताया जा रहा है सर्विसेज, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। हेयर हाउ पाई कॉइन्स स्ट्रेंथ अलाइन विद डिफाई इकोसिस्टम, किस तरीके से करने वाला है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए गए। फर्स्ट, एसेसिबिलिटी। आप सभी को पता है कि सिंपल इसमें आप सभी को क्या करना होता है कि एक फ़ोन लेना होता है, फ़ोन में आप अपनी माइनिंग स्टार्ट करते हो और फ़ोन से ही आप सारी चीज़ें कर पाते हो और सबसे ईजी बात है। यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई हार्ड कोर नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल आप फ़ोन चला लेते हो, गेम खेल लेते हो, सिंपली आप यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज लेनी होगी, देन आप सीख जाओगे कैसे क्या करना है। अगर आपको यहाँ पे और एडवांस लेवल पे जाना है तो आप सभी को वेब 3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, इन सभी चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो फिर आप हर एक क्रिप्टोकरेंसी से इजीली पैसा बना लोगे, क्योंकि आपके पास आइडेंटिफाई करने की नॉलेज आ जाएगी कौन सा फ्यूचर तक चलने वाला है, कौन सा शॉर्ट टर्म चलने वाला है, कब मुझे इन करना है, कब मुझे आउट करना है। अगर आपको के पास इन सभी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी चूज़ कर पाओगे, ठीक है। सारा खेल यहाँ पे नॉलेज का ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के अंदर आप सभी को पता है पाई जो नेटवर्क है पूरे ग्लोबल लेवल पे 60 मिलियन से ऊपर इसके एक्टिव पाइनियर्स हैं और ये नंबर पुराना नंबर है, ठीक है। अब ये और बढ़ चुका होगा जो आप सभी को पता लगेगा पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग के टाइम पे। तीसरा है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। आप सभी को पता है कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बिग मिलीनियर बिलीनियर पर्सन इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो भी हमें प्रमोशंस देखने को मिलते हैं वो लोकल पाइनियर्स कर रहे होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, चाहे रैली निकाल के या किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को लेके, क्योंकि रियल पाइनियर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। फोर्थ है लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है, क्योंकि फाइनेंस जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है उस तरीके से आप सभी को पता है टैक्सेस, GST और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें अभी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और इसी बीच में कौन सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको बेस्ट चीज़ देने वाला है, अगर वो हमें बेस्ट चीज़ देगा तो हम उसी को यूज़ करने वाले, क्योंकि हम किसी को भी लाइक नहीं चाहिए कि हम एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे करें। और स्पेशली हम ग्लोबल लेवल ट्रांजेक्शन की बात करें, क्योंकि ग्लोबल लेवल ट्रांजेक्शन के अंदर हमें अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये बहुत चीज़ डिपेंड करती है और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पाई एफिशिएंट नेटवर्क डिज़ाइन प्रोमिसेस लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन फास्ट ट्रांजेक्शन क्रूशियल फॉर डिफाई ऑपरेशन सच एज यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग एंड एक्सचेंजिंग टोकन्स। यहाँ पे सिंपल ये हो सकता है फ्यूचर में कि डायरेक्टली आप पाई की जो ट्रांजेक्शन है पाई की फॉर्म में कर पाओगे। ये तो अभी भी चल रहा है बट ये फ्यूचर में एक तरीके से वैलिड हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी चलेगी जब उसको यूज़ करने वाले लोग हैं। अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और सेम पर्सन सामने वाला उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने बाय किया है या बिजनेस मैन है, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे अगर एक्सेप्टेबल है पाई कॉइन की फॉर्म में, वो समझ रहा है उस वैल्यूएशन को, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपको थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको जो पहले मेथड चल रहा था उसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होने वाला है। अब दोनों को पता लगेगा कि जो हम पहले जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहाँ पे हमें अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ रहे हैं, बट यहाँ पे जो ये नया तरीका आया ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ते और हमारा इससे बिजनेस भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और हमारा जो एक्सपेंस है फालतू वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे लोग इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे P2P की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पीयर टू पीयर आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन यहाँ पे नहीं होता है। जो भी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी फी देनी पड़ेगी वो आपको पाई नेटवर्क को ही देनी पड़ेगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में। इस चीज़ को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बेसिकली पाई नेटवर्क की प्राइस की प्रिडिक्शन की गई है और ये ने ग्रॉक के थ्रू बेसिकली इसकी प्रिडिक्शन वगैरह की गई है और यहाँ पे लिखा गया है प्रिडिक्शन एंड एवोल्यूशन। यहाँ पे तीन टर्म्स की बात की जा रही है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म, जिसमें 2024 से 2025 की बात की जा रही है। फिर है मिड टर्म, जिसमें 2026 से 2030 की बात की जा रही है। फिर आपको लॉन्ग टर्म विजन देखने को मिलता है जो कि बहुत लंबे समय तक होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर बताया जा रहा है जो कि शॉर्ट टर्म है, गिवन द करंट एंथुसियास्ट एंड इफ द ओपन मैनेंट
लॉन्च गो स्मूथली देयर कुड बी इसेंशियल सर्च इन इंटरेस्ट एंड वैल्यू। ठीक है, अगर बहुत ही स्मूथ तरीके से पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो यहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। प्रिडिक्शन सजेस्ट पाई कुड रीच एनीवेयर फ्रॉम $1 टू पोटेंशियली $500, रिफ्लेक्ट बोथ कंसेक्यूटिव एंड हाईली ऑप्टिमिस्ट सिनेरियोस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्टार्टिंग हो सकती है वो $1 से हो सकती है और $500 तक भी जा सकती है। द लोअर एज दिस सीम्स मोर रियलिस्टिक इफ एडॉप्शन ग्रो स्टेडली विदाउट मेजर हिकअप्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सक्सेसफुल वो जाते हैं, तो आपको इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो कि आप जब सोचोगे कि लॉन्चिंग होगी तो $30-40 से लॉन्चिंग होगी और $100-200 आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। बेसिकली ये फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे जो $1 रखा गया है ये वैल्यूएशन इजीली हिट हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, फिर उसके बाद जो स्पीड बढ़ने वाली है वैल्यूएशन को लेके, चाहे $5 हो, $10 हो या कितना भी हो, वो डिपेंड करेगा कि पाई नेटवर्क किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, तभी उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है किसी भी क्रिप्टो के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो $1 लिखा गया है इसको मैं और डिटेल में आपको समझा दूँ, तो जैसा कि आप सभी को पता है पाई नेटवर्क का एक और प्रोजेक्ट है पाई ब्रिजेस करके, जिसको एक साल से ऊपर हो चुका है। वियतनाम के अंदर इसका प्रॉपर ऑफलाइन ऑफिस है। उसका एक कॉइन आया था पाई ब्रिजेस करके, ठीक है, आप सभी को पता है उसका जो वैल्यूएशन है 0.3-0.4 हमें देखने को मिला था जब वो लॉन्च हुआ था, और ऑल टाइम हाई $0.5 के आसपास गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पाई नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यूएशन $0.3-0.4 के आसपास हमें देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई $0.5 के आसपास है। $1 से मतलब 0.5 आधा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। तो जब पाई नेटवर्क लॉन्च करेगा अपना स्पेशल कॉइन जो कि पाई कॉइन है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं 5 साल से, तो उसका वैल्यूएशन क्या $1 तक नहीं जाता, इजीली जाता है। उसके एक प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन अगर $0.5 तक जाता है, तो उसका जो रियल कॉइन है वो स्टार्टिंग अगर $0.5 से भी करता है तो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों के अंदर $1 हिट हो जाएगा। बट उसके बाद की जो स्पीड है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। और सेकंड है मिड टर्म, जो कि 2026 से 2030 के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया If Pi Network establish a robust ecosystem with Pi being used in a real transaction and not just held for speculation, we might see stabilization in the value with gradually growth. The more utility Pi gains, the more likely to sustain and grow its value. Prediction high might lean toward a more consecutive growth pattern, potentially seeing value between $50 to $200, assuming continuous development and adoption. यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है किस तरीके से जो ये ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, डेली यूज़ की हम बात कर रहे हैं, जिन भी ये प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहा है, जिन भी यूटिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब एप्लीकेशंस की बात की जा रही है। बहुत सारी पाई नेटवर्क एप्लीकेशन बना चुका है जो कि आप सभी को पता है। मेजरली यहाँ पे 100 जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं, जिसके अंदर हर टाइप की एप्लीकेशंस हैं, चाहे फाइनेंस, एंटरटेनमेंट या अदर कैटेगरी की है। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन करती है, अच्छे तरीके से चलती है, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है $50 के आसपास ये जा सकता है 2026 तक, या $200 तक भी जा सकता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन के अंदर बताया जा रहा है पाई विजन टू बिकम अ वाइडली यूज क्रिप्टोकरेंसी डिपेंड्स हाईली ऑन ग्लोबल अडॉप्शन एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिस तरीके से आपको बाइनेंस देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, नंबर वन पे बहुत ही पॉपुलर है, और बिटकॉइन और ETH क्रिप्टोकरेंसी भी आप सभी को पता है बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग बेसिकली उसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। अगर इसी तरीके से पाई को भी किया जाने लगा तो यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, इफ इट्स अचीव सिग्निफिकेंट रियल वर्ल्ड यूटिलिटी वेयर पाई इज यूज्ड फॉर एवरी डे ट्रांजेक्शन, इट लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस हाउ कंपीटिंग विथ एस्टैब्लिश क्रिप्टोकरेंसीज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम और इवन रिप्लेसिंग दैम एज सम होप इट एज एम्बिशियस गोल दैट रिक्वायर्स नॉट जस्ट कम्युनिटी सपोर्ट बट वाइड स्प्रेड कॉमर्शियल एक्सेप्टेंस। ठीक है, जिस तरीके से बिटकॉइन और ETH की बात की जाए, जो मैं अभी आप सभी को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो बिटकॉइन का वैल्यूएशन है वो भी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। मार्केट जब क्रैश होता है तो वैल्यूएशन सभी क्रिप्टोकरेंसीज के गिरते हैं, बट जो मेजरली वैल्यूएशन मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है वो हमें बिटकॉइन और ETH वगैरह ही देखने को मिलता है। और पाई नेटवर्क जिस तरीके से बात करता है कि ग्लोबल लेवल पर हमें यूज़ किया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इसका जो वैल्यूएशन है आपको बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आई होप
सो कि आपको यहाँ पे वैल्यूएशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं GCV भी आपको क्लियर कर दूँ, जो आप सभी देखते हो कि हर जगह उसके प्रमोशंस होते रहते हैं। अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई प्रमोशन पाई नेटवर्क के रिलेटेड हो रहा है तो GCV को सपोर्ट करते हो, वहाँ पे दिखाया जाता है। GCV बेसिकली पाई जो है मैथमेटिक में उसका वैल्यूएशन है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल पर्पजेस के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लिस्टिंग के बारे में। लिस्टिंग को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाई नेटवर्क लिस्टेड नहीं है, जो कि रियल पाई कॉइन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है कंडमनेशन ऑफ बिटकोला एक्सचेंज अनऑथराइज एंड इलीगल सेल ऑफ पाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो इलीगल तरीके से इसके सेल वगैरह कर रहे हैं, तो आप सभी को इन सभी से बेसिकली दूर रहना है। कोई भी ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी तब आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वो आने वाला है। स्टार्टिंग के डेज के अंदर आपको नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो भी टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बाइनेंस वगैरह उस पर भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।